अच्छा अच्छा खेलना नहीं है अभी, ये मेरी जैकेट खराब कर देगा ना यार। खाएंगे उसे? नहीं मत फेस करो। अबे खाएंगे, आधा बचा रखा है मैंने भाई, मैंने आधा काटा हुआ है। अच्छा हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज जो मेरा प्लान है वो है आज जाने का, एक बेसिकली अभी का है कल बर्थडे हमारा। आज प्लान ये है कि हम जा रहे हैं आज एक जनरली रिजॉर्ट है, ये आपका पड़ता है मालदीप्ता से 10 किलोमीटर आगे। तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, लवी के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो अभी सब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग एक साथ निकलेंगे बाइक्स पे अपनी अपनी। तो मैं हो सकेगा कुछ शॉट्स आपको रास्ते के दिखाऊंगा, थोड़ी मोटो व्लॉगिंग करूँगा। तो बेसिकली जो आज का व्लॉग रहेगा वो थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग रहेगा, थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन का रहेगा। तो देखते हैं कैसा होता है, और हो सकेगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं इसको दो एपिसोड्स में डिवाइड करूँगा। चलो फिर मिलते हैं, बाइक्स पर निकलते हैं थोड़ी देर में, बाकी थोड़े बहुत जितने भी फ्रेंड्स हैं आ जाएँ, फिर निकलने की तैयारी करते हैं। एलेक्स कैसे हो? अच्छे हो? आ जाओ आओ। अच्छा अच्छा खेलना नहीं है अभी, ये मेरी जैकेट ख़राब कर देगा। ना 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 ऊपर नहीं आना, आओ अंदर, चलो आओ चलो। तो अभी हमारा प्लान है केक कटिंग करने का, और बर्थडे कल है पर हम कट आज कर रहे हैं। और भाई हेलो बोल देना सारे सारे जो जो गुंडे लोग तुम, ये अखंडा कौन है? अखंडा 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 है। हेलो भाई, ये जैकेट बीना है वो बीना, नॉट अखंडा। 3000 के लिए आज सुबह भाई, यार कहाँ से लिए, कहाँ से? ऐसे में तो ले लेता हूँ बस पे, ये जहाँ पे वो मोबाइल कवर पड़े रहे। इसमें क्या लिखा हुआ है? उदित पांडा और एल एल, इसका तो बोल नहीं सकते, एल एल का मतलब उदित, एल उदित। चलो ठीक हो, सब समझ उदित उदित। चलो ये मिर्जापुर अभी आ गया, ये चलो मिर्जापुर से स्पैंड है, चल जाओ ना। हां चलो, हैप्पी हैप्पी आज हैप्पी बर्थडे तेरा कल है, वैसे कल है पर आज भी कर, आज कर लेते हैं पूरे साल भर, क्योंकि चलो क्या बोले क्या। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब हम निकल चुके हैं और इस टाइम पहुंच चुके हैं बंगाली कोठी, और आप ये देख सकते हो जो मेरे आगे क्लासिक जा रही है इस पे लवी और अभी हैं, क्योंकि सारे फ्रेंड जो हैं वो आ गए थे, कुछ हैं जो केक लेने के लिए चले गए। मिल जाएंगे हम लोग आगे, यहाँ एक्चुअली इतना ट्रैफिक मिलता नहीं है बट इस टाइम काफ़ी ट्रैफिक है। और ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फ्लाईओवर, और इससे भी काफ़ी टाइम हो गया था बनते बनते, बट ये फाइनली बन गया। और लेफ्ट साइड से जो नीचे को रोड जा रही है इसको अभी ठीक होना है, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, रोड्स के तो हाल ही ख़राब रखे हैं फ़िलहाल। अभी देखते हैं आगे चल के कैसा कैसा होता है, मौसम हो रहा है बढ़िया एकदम झकास। राइड कर रहा हूँ मैं आज काफ़ी टाइम बाद, और जो मेरे को सब लोगों को एक बात ये ज़रूर बोलनी है, जो जो इस चैनल पे नए आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप मतलब अगर ठीक नहीं लग रही तो डिसलाइक करो, नो इशूज़, बट कुछ उस पर रिस्पॉन्स तो दो, कमेंट करो, बताओ क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी रह गई है। मैं निकलूँगा जोगी वाला की तरफ, और जोगी वाला से सीधे रायपुर की तरफ हम जाएंगे मालदेवता पहले, और मालदेवता से हमें और 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे जाना है। तो हम यहाँ पे आ गए इस टाइम रायपुर चौक पे, और हमें यहाँ पे अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम, वेट कर रहे हैं अभी, नियर अबाउट यहाँ से हमें 1 घंटा और लग जाएगा। देखो बाकी लोग कब तक आते हैं उस हिसाब से निकलेंगे, क्योंकि दो भाई हैं जो वो लोग आ रहे हैं एक्टिवा से, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गए, बाकी दो जने और हैं उनसे भी
वो लोग का भी नहीं पता भी कहाँ है। तो जैसे ही आते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे एक साथ और फिर आगे मिलते हैं। तो अब हम मालदेवता साइड की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ तो ठंड लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब शहर की तरफ तो गर्म था बट इस साइड काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हवा में चेंज आ गया काफ़ी ज़्यादा। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक जना आगे चलो, क्योंकि जिनको नहीं पता वो फॉलो कर लेंगे फिर। अरे आप देख पा रहे हैं सामने की खतरनाक ब्यूटी, अलग ही मज़ा है इसका, और क्या चाहिए, अच्छा वेदर, अच्छी रोड्स। और ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास ऐसा हो कि हाँ बुलेट हो या रॉयल एनफील्ड की कोई हो या एडवेंचरर बाइक हो कोई, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप 100cc की बाइक पे भी आराम से जा सकते हैं, बस ये है कि हाँ आपने अपनी बाइक को मेंटेन करके रखा हो। जो बाइक मेंटेन नहीं करते उनके साथ ज़्यादा दिक्कतें ये आती हैं, कभी उनकी चेन टूट जाती है, कभी उनका क्लच वायर टूट जाता है। बस अब थोड़ी ही देर में धूप जाने वाली है और फिर यहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अभी तो इतनी खास कुछ लग नहीं रही है कि दिक्कत हो, बट हाँ थोड़ी देर में जैसी धूप चली जाएगी तब काफ़ी ठंडा लगेगा। कॉर्नरिंग करने में मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्या बढ़िया पहाड़ देख रहे हैं, हरे भरे पहाड़, कहीं कहीं सूखे हैं और कहीं कहीं तो अच्छा खासा हरा भरा है। अभी मुझे अपनी बाइक राइड्स के लिए कुछ गियर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि हो गई जैकेट, राइडिंग जैकेट हो गई है और बूट्स हो गए हैं। और हाँ मैं आप लोगों को ये एक बात और बता दूं कि मेरा अब जो व्लॉग बनेगा ये बर्थडे वाला, अभी के बर्थडे वाला, इसके बाद मेरा प्लान है चक्राता जाने का। ओ पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, क्या मस्त हो रही है पैराग्लाइडिंग। यार पता नहीं मेरे को चार्जेस का, बट जिस दिन हम बुक कराने आए थे मैंने उस दिन भी देखा था यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी। तो यानी कि यहाँ पैराग्लाइडिंग पहले नहीं होती थी, ये कुछ टाइम से ही स्टार्ट करी है इन्होंने। और यहाँ से हमें लेना है राइट को। हाँ मैं बताना भूल गया था वैसे ये बात कि मेरा जो प्लान बन रहा है वो बन रहा है अभी चक्राता का, फिर चक्राता के बाद मोस्ट प्रोबेबली बन रहा है मेरा चौपटा के लिए भी। तो बैक टू बैक व्लॉग्स रहेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि ये लोग अभी पीछे रह गए, वहाँ से ये ऐसे ऐसे कर कर करके घूम के ऊपर को आना है यहाँ पे। हाँ वो नीचे पहले काफ़ी नदी बहती थी, वो सूख गई है अब, पर क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ तो। टेंट लगा लो, कहाँ रह गए यार, तो बहुत स्लो आ रहे हैं। चलो वेट करते हैं उनका जब तक वो लोग आते हैं। हाँ यार ये काफ़ी स्लो आ रहे हैं, एक भाई तो आ गया, आ गया आ गया आ गया, चलो 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 चलो। रोड की कंडीशन तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है बीच बीच में कहीं पर, अब एक साइड तो बिल्कुल ही धूप नहीं है और एक साइड धूप दिख रही है पहाड़ पर, और इधर की तरफ तो लगने लगा ठंडा काफ़ी ज़्यादा। चलो एक कोल्ड ड्रिंक,
और ये जैकेट हम सारे कोल्ड ड्रिंक वाले ही हैं, हम तो हम कोल्ड ड्रिंक कोका कोला नहीं, ठीक है कोका कोला के अंदर कुछ और डाला है, स्पार्कलिंग वाटर ये होता है क्या, हम तो कहां से मिलता है। हां कितनी आईडी चाहिए? चार हजार तो चार मिनिमम, चार आईडी है ना, सॉफ्ट कॉपी है, जस्ट गिव इट, ये पेन कार्ड चलेगा? हाँ चल रहा है, नहीं आईडी। जब तक ये लोग आते हैं तब तक मैं दिखाता हूँ यहाँ का कैफे। ये है कैफे एरिया, ओपन कैफे, ये सारा कैफे एरिया है। और ये नीचे हैं टेंट जो हमने बुक कराए हैं, और ये यहाँ का व्यू, ओके मज़ेदार, सही है, बहुत सही, ठीक है, मतलब उतना तो कुछ खास है नहीं। ओके लाइट्स, ओ भाई लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी, ये है रूम, और ये यहाँ पे है जो एक विंडो दी हुई है, क्या बढ़िया, सही है, मस्त एलईडी, और ये यहाँ का वॉशरूम, और ये खिड़की है, और ये यहाँ से, और ये धूल है, और ये टीवी है, और ये यहाँ पे बटन है, ये चलता नहीं है, चलेगा चलेगा सब चलेगा, इनकी क्या जरूरत है फैंस की, जरूरत तो है नहीं, पर यहाँ से व्यू क्या मस्त है भाई, तैयारी ये अगर यहाँ ये पेड़ ना होता ना ये अच्छा तो बहुत मजा आता भाई। उदित तेरे पास प्लेलिस्ट है भाई, प्लेलिस्ट नहीं है मेरे पे, थोड़ी सी है जो उस टाइम गाने उस टाइम ऑफलाइन सेव कर रहे थे, मैं ये लिया ना मैंने, उसमें प्लेलिस्ट नहीं है तेरे पे, प्लेलिस्ट कौन सा लिया प्लेलिस्ट, तो हमने जो बुक कराया है एक रूम बुक कराया है ये वाला जिसमें बालकनी भी है, उस वाले में नहीं है, कैसा लगा भैया? मस्त, दो आ गए हैं, ठीक है, मतलब ये अभी खरीदा है उदित के बजट के हिसाब से, ठीक है अभी जब ये मैरियट जाने वाला है ये, इसका इसका बर्थडे भी एक का मैरियट में होगा भाई, क्या किसको रिग्रेट हो रहा है तुझे, किसको रिग्रेट हो रहा है, तूने अपना बर्थडे यहाँ नहीं करा था, बर्थडे को याद करके रो रहा, अरे तब तक दिखा देते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी, इनके पास यहाँ पे है ये टेंट, सब फेसिंग है माउंटेन फेसिंग है, काफी अच्छे हैं, एक है दो उधर की तरफ है दूसरी साइड है, तो यहाँ कुत्तों को भौंकने की आवाज आती है, वो बंद है, एक छोटा सा लॉन यहाँ पे, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, और आप पीछे का व्यू देख ही पा रहे हैं क्या मज़ेदार है, और ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ये तो है यहाँ पे। खैर हम लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है, अपने साथ जैकेट्स लेकर आए हैं और वार्मर्स हमारे साथ है, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, देखते हैं बस ये हो जाएगा कि अब थोड़ी सी लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से शूट करने में दिक्कत होगी, बट हाँ रूम के अंदर लाइट रहेगी तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लाल चाय मंगा ली है, बाकी लोग हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, पी के बताना कैसी है, दो तीन दिन चलेगा, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, हालांकि तो शुगर नहीं है बट बढ़िया है। अभी के ऑफिस का आ गया काम, और वो छवि के साथ इस टाइम लगा पड़ा है, आप अपलोड करके देख, हनी चिली पोटैटो है, जो चिकन खाएगा वो चिकन खा लेगा, हम तो खाएंगे नहीं, ठीक है, और तुम्हारा पनीर टिक्का, तंदूरी भी हो रहा है, ओके कितना देर बाद आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, चल ठीक है यार, चल फिर ठीक है, चल लवी तू भी आ जाना, ठीक है ओके चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाई बजा दो। ओ यार। भाई ये पूरी इसने पूरी स्पार्कलिंग वाइन दी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ठीक है भाई, ले ना केक का।
ठीक है, केक केक। ओए ओए खाएंगे उसे। नहीं मत फेस करो, अबे खाएंगे। आधा बचा रखा है मैंने भाई, मैंने आधा काटा हुआ है। अच्छा है वो, कहीं फोटो खींच, आधा काटा हुआ है भाई। एक भाई अब हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? अबे आना तो भाई मैं इस अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिस्कंटिन्यू, और जो भी हम लोग का सेलिब्रेशन है वो चलेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा भी होगा अभी फिलहाल, और देखते हैं अभी हम लोग का क्या प्लान है इसके बाद। जो केक वेक खाने अभी के बाद अभी हमारा डिनर नहीं हुआ है, और अभी हम करेंगे डिनर। वैसे तो उदित के बर्थडे में कुछ अच्छा डिनर मिलने वाला नहीं है, आप अगर आपको अच्छा डिनर चाहिए तो मेरे बर्थडे में आना, और भैया आकाश भाई के बर्थडे में आना, और ये अशोक के बर्थडे में आना। ही इज अ गुड बॉय बट नॉट एज गुड एज उदित। ठीक है ठीक है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ ग्रेवियर ट्रैवलर, और एक नई मॉर्निंग के साथ लोग भी उठ गए हैं। मैं तो सबसे पहले मैं ही उठा, बाकी ये लोग तो बहुत ही लेट सोए थे, इनफैक्ट मैं तो सो गया था जल्दी। और अब देखते हैं क्या है, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे। मैं प्रॉपर्टी भी दिखा दूंगा आप लोगों को, और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर आए यहाँ पे, काफ़ी पीसफुल है, और आप यहाँ देख ही सकते हो क्या बढ़िया व्यू आता है। सनराइज़ का मैंने कैप्चर करा था थोड़ा ऊपर जाके। हाँ भाई उठ गया। हेलो ओ बर्थडे था, बर्थडे था आज है इसका। तुम लोग अब क्या अभी उठे क्या? बिल्कुल सबसे पहले मैं उठा था, मैं उठ गया था भाई। क्योंकि भैया आप सब तो छोटे हो ना, मैं सबसे छोटा हूँ। ये सही कहा बिल्कुल। कब निकलना है? सबसे छोटा हूँ मैं। अभी निकलते चाय पी, चाय चाय को ऑर्डर करो ना। चलो बैठ गया। ओके तो हमारी है अब यहाँ से चलने की तैयारी। ये था रिजॉर्ट, काफी बढ़िया। तो हम निकलते हैं और चलते हैं वापस घर की तरफ। ये लोग ऑलरेडी निकल गए हैं। तो भाई बर्थडे तो हमने काफ़ी इन्जॉय करा, मज़ा आया, खाना भी अच्छा था, बस ये था थोड़े से पोर्शन कम थे, बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो जो लोग चाहते हैं कि अपना आराम से एक बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा दूर आके रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आएँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरी वीडियोस और मेरे जो पुराने व्लॉग्स हैं उन्हें भी ज़रूर देखना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ। दिस इज़ ग्रेवियर ट्रैवलर साइनिंग आउट। Goodbye.